सिंधौली में आपको बता दें कि कलयुगी चाचा ने भतीजे और भतीजी को गोली से किया घायल। मामला विस्तार से हम आपको बताते हैं। थाना सिंधौली में राम नरेश, कल्लू, नरपाल और मोनेन्द्र चार भाई थे, लेकिन कल्लू ने मोनेन्द्र से जमीन खरीदी और खरीदने के बाद जो उसका भाई था नरपाल, वो जमीन पर कब्जा करना चाहता था। इसी बात को लेकर विवाद हुआ और पहले आपको बता दें, नरपाल ने अपने भाई कल्लू पर गोली चलाई, वो भाग गया। उसके बाद में अपनी भाभी बीना देवी पर गोली चलाई, लेकिन वो बच गई, लेकिन भतीजा और भतीजी के पैर में गोली लगी। गंभीर हालत में जिला सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया। लेकिन कलयुग की एक और घटना, सगे चाचा ने सगे भतीजी और भतीजे को गोली से उड़ाया और भतीजी की उम्र आपको बता दें महिमा 13 साल की, अक्षय कुमार 9 साल का, और इन मासूमों पर जल्लादी चाचा ने गोली चला दी। हालांकि मेडिकल कॉलेज में दोनों लोग भर्ती हैं, लेकिन कल्लू का ये कहना है कि हमारा भाई जो है वो बेहद शातिर है, उसने गोली चलाई और बात से बात नहीं थी। हालांकि जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया दोनों को, लेकिन स्थिति गंभीर है। आपको बता दें, एक बार फिर बता दें कि कलयुगी चाचा ने अपनी भतीजी 12 साल और भतीजा 9 साल पर गोली चला दी, जिसके पैर में गोली लगी। हालांकि गंभीर हालत में मेडिकल कॉलेज में भर्ती। गोली मारी वो। किसने मारी? छोटे भाई नेपाल। सगा भाई आपका? सगा भाई है। क्यों मारी? थोड़ी छोटे सबसे छोटे भाई की जगह थी, हमने खरीदी थी। अच्छा। वो कह रहे थे हम लेंगे, तो हमने खरीदी, हम समझ गए थे, तो उसे विवाद हमारे पहले मम्मी ना रही, हमारे करते ही फिर हमारे लड़का के नारे करते, तो उन्होंने कही तो हमारे हम तो मन तो कल गोली मारती, तो वो कल लड़का हमारा मन लगा तो गोली मारती हो, तो हमें तो मन नहीं मनने है, तो हम तो अपने घर चले गए। जय उनके पीछे, उनके पीछे गोली, उनके चलाई नहीं, तो उनके रास्ता में खड़े हैं, तो इसके लिए निकल गोली थी, उनके जाके लगी। अच्छा, 12 की थी? ना, 15 की। 15 की गोली थी? 15 की गोली। लाइसेंस ही थी, नाजायज था? नाजायज थी। हालांकि कल्लू की पत्नी बीना देवी का कहना है कि हमारे पति के मुंह में पहले तमंचे की नाल कर दी, लेकिन जैसे जैसे छुटाकर भागा तो हमारे बच्चों को गोली मार दी देवर ने, लेकिन डॉक्टर साहब ने क्या कहा, इस बारे में हम आपको सुनवाते हैं कि डॉक्टर अनुराग पराशर जी का क्या कहना है कि कितनी गोली लगी और कितना गंभीर मामला है। गनशॉट आए हैं बच्चों को, क्या मामला है? तो बच्चे आए हैं थाना सिंधौली से, और एक जो क्या नाम है लड़का अक्षय है, उसके पैर में गोली लगी है, दाहिने पैर में, और साबित लगता है कि उसका फ्रैक्चर भी हो गया, क्योंकि उसका इलाज शुरू कर दिया है और उसको ऑब्जर्वेशन में अपने यहाँ रख लिया है। दूसरी जो लड़की है उसका भी इलाज शुरू कर दिया है, उसको जेरे निगरानी में रखा हुआ है, अभी वो एक्सरे के बाद में पता लगे गनशॉट की उसके अंदर कुछ हर रहा है या कुछ भी है, क्योंकि उसके हल्का से चोट जो है दाहिने पैर में लगी है, उसके नीचे एंकल जॉइंट के पास में, तो उसको भी अपने यहाँ उसको ऑब्जर्वेशन में रखा है, दवाई उसकी चालू कर दी, एडमिट कर दिया दोनों बच्चों को।